शुरू करते हैं हम लोग। सर्जन के शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसको उत्सर्जन कहते हैं। ताकि जो उत्सर्जन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन पदार्थ होता है और उस पदार्थ को जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो उस उत्सर्जन का क्या नाम होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपका है अमीनोटेलिज्म, अमीनोटेलिज्म देखो ध्यान से रखना याद तुम लोग, ये पता है अमीनो अमीनोटेलिज्म टेलिज्म, एक तो आपका अमीनोटेलिज्म होगा और एक आपका होगा अमीनो एक होगा अमोनो अमोनोटेलिज्म। एकदम आज पूरा याद हो जाना चाहिए, देखो कंपटीशन में कई बार पूछता है। तीसरा आपका जो है उसका नाम है यूरिटोलिज्म, यूरिटो ये नो है यू रियो टेलिज्म, सब पढ़े हो तुम घर पर यूरिको टेलिज्म, यूरुको टेलिज्म। पांचवा आपका है अच्छा रहे ना जी, चलो तो माने सब उत्सर्जन के प्रकार है। इसका माने कोई पूछता है कि क्या होता है अमीनो टेलिजन, तो अमीनो का मतलब होता है अमीन की बात जो होगा, अमोनो की बात कर रहा है, यूरिया की बात कर रहा है, यूरोको की बात कर रहा है। तो देखो आप तीनों के चारों के बाद माने इसका नाम कैसे हुआ, तो इसमें उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है जैसे सीपी हो गया, घोंघा हो गया, इकाइनोडार्मेटा में जितने भी सब हैं। अमीनो टेलिजन, टेलिजन का मतलब होता है बाहर निकालना, याद है टेलिजन का मतलब क्या आता है बाहर निकल, क्या होता है तबियत खराब है क्या, माइश बहुत नजर आ रही है अभी लड़की हमेशा मुस्कुराती है मुस्कुराना। अमीनो टेलिज्म का मतलब क्या होता है, टेलिज्म का मतलब पलिजान जो बाहर निकालना, टेलिज्म जब भी कहेगा तो क्या कहोगे बाहर निकालना, यानी जब शरीर से अमोनिया को बाहर निकाला जाता है, देख लेना शरीर से देखो अमोनी अमीनो का मतलब अमोनिया और टेलिज्म का मतलब होता है बाहर निकालना, जब शरीर से अमोनिया को बाहर निकाला जाता है अमीनो अम्ल है, अच्छा अमोनिया है अमोनो लिख रहा होता है क्या, अमीनो अम्ल को बाहर निकाला जाता है सीपी, सीपी के नाम सुने हो कहाँ पाया जाता है जब शरीर से अमीनो अम्ल, तुम लोग पढ़े होगे ना कैसे किसे कहते हैं अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं तो इसे क्या कहते हैं अमीनो अमीनो टेलिज्म, अमीनो का मतलब अमीनो अम्ल, उदाहरण में घोंघा हो जाएगा सिप्पी, एक आइनोडार्मेटा में हमारे जितने सदस्य होते हैं उसको भी आप लिख सकते हैं, चलो याद हुआ का। अब होता है आपके सिंपल सी बात आपकी होती है याद हुआ अमीनो टेलिज्म, टेलिज्म 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 का मतलब होता है बाहर निकल, मतलब जब अमीनो अम्ल को बाहर निकालते हैं जैसे सीपी हुआ, देखो आप कहीं पूछेगा सीपी जो होता है अपने अंदर से जो उत्सर्जी पदार्थ निकालता है वो किस रूप में निकालता है, तो अमीनो अम्ल के रूप में, चाहे घोघा हुआ वो भी अमीनो अम्ल के रूप में निकालता है, अच्छा आपका इकाइनोडार्मेटा हो गया तो वो भी अमीनो अम्ल के रूप में निकालता है। अब एक होता है अमोनो टेलिज्म, अमोनो टेलिज्म, अमोनो टेलिज्म का मतलब होता है कि जिसमें ये नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में बाहर निकालता है जैसे जलीय, देखो माने इसमें सिंपली लिखा है कि इसमें जीव उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते, यही ना होगा अमोनिया को बाहर निकालते, उदाहरण में क्या लिख सकते हो बताओ, देखो जलीय जीव सब आ जाएंगे, कशेरुकों माने कौन है, मनुष्य भी तो आ सकता है ना, हमारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी है कशेरुकों भी, और मछली भी आ जाएंगी इसमें, मछली और कशेरुकी है, जलीय और कशेरुकी है ना, हाँ तो इसमें जानते हो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होंगे वो आएंगे, अच्छा हम लोग भी तो अमोनिया निकालते ही हैं,
मन अमोनिया होता है ना, लेकिन यूरिया में चेंज कर देता है, कौन चेंज करता है? लीवर एकृत होता है, बस समझ रहे। अब चलो यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म का मतलब क्या हुआ? यूरियोटेलिज्म का मतलब होता है यूरिया। इसमें हम लोग आ जाएंगे, स्तनधारी आ जाएंगे, टोड आ जाएंगे। टोड क्या है? मेढक एक नाम है, टोड। मेढक आ जाएंगे छता, वो पास्ती वाली मछलियाँ आ जाती हैं। तो माने यूरियोटेलिज्म है ना, इसमें यूरिया को शरीर से बाहर निकाल देता है, यूरिया को शरीर से क्या देता है, बाहर निकाल, शरीर से बाहर निकाल, बाहर निकाला जाता है। क्या कहा जाएंगे इस उदाहरण में? सब स्तनधारी आ जाएंगे। अच्छा, मनुष्य स्तनधारी है कि नहीं? स्तनधारी आ जाएंगे, और टोड आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, हाँ, उपास्ती। उपास्ती किसे कहते हैं? जो अस्थियों को जोड़ने का लचीला होता है, उपास्ती मछली आ जाएगी। अच्छा, उपास्ती का मतलब जानते हो? इसी के कारण हड्डियाँ उनकी काट काट, ये सुखा कर वो दिशा दिखाने का कार होता है, और सीधा आपको इस तरीके चलती है। चलो, यूरियोटेलिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें यूरिया उत्सर्जी, यूरियोटेलिज्म का इसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। देखो, ये बहुत खतरनाक है, यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता है, उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, रूप में बाहर निकलता है। हाँ, चलो उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं? कौन कौन निकलता है? पक्षियाँ, पक्षियाँ आती है, और जमीन पर रहने वाले सरसृप, सरसृप खाली लिख लो, सरसृप माने जो रेंग का चलते हैं, सांप वगैरह आ जाएंगे, कीट भी निकालते हैं, और स्थलीय घोंघा जो स्थल पर रहते हैं, जल में नहीं रहते हैं, स्थलीय घोंघा। तो सबको याद होगा, बताओ, नोट कर ले इसको, तो नहीं गाना गाना आपको। किडनी के बारे में कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें? अच्छा बताओ, तनी इसमें थोड़ा सा लिख लेना है यूरिक अम्ल के बारे में। देखो, यूरिक अम्ल जो होता है ना, एक प्रकार का बहुत हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ होता है। जब शरीर के अंदर से यह स्पष्ट रूप से बाहर नहीं निकल पाता है ना, और जब इसकी मात्रा शरीर के अंदर जब बढ़ जाती है, तो जहाँ जहाँ हड्डियों का झुड़ होता है, वहाँ वहाँ ये उपस्थित हो जाता है। उपस्थित होने के बाद जो हड्डियाँ होता है, उसको घूमने में बड़ा दिक्कत उत्पन्न करता है, दिक्कत उत्पन्न करता है, रक्त का प्रवाह भी कम कर देता है। तो इससे व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है ये जान जाना। और समझो कि बुढ़ापा में बहुत बड़ा दिक्कत होता है। हम तो अपने आँखें के सामने देखे थे एक आदमी को, बेचारा माँ होके चल रहे थे, इतना यूरिक अम्ल बढ़ गया था उसके, माँ होके चल रहे थे। हमने देखा था, कहा कि सोचो का जिंदगी है, सोचे उस आदमी को कितना दिक्कत होगा, माँ होकर खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, इतनी यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गई थी। कब बढ़ता है मालूम है ना? जब शरीर के में पानी वगैरह नहीं पिएंगे, दिन में खिसिया करके रहेंगे, मिर्गिया करके, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वही होता है। चलो, खूब खा के खा लो तब खिसिया जाओ, जल्दी खाओ। जब शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो जहाँ जहाँ हड्डियों का जोड़ होता है, वहाँ हड्डियों को घूमने में कठिनाई होती है तथा असहनीय दर्द होता है। तो इसे गठिया रोग कहते हैं। नोट कर लो। गठिया रोग कहता है।